अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेवन सब्जेक्ट मैथ टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.1। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज टू 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स परिमीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ हमारे पास है 12 से 1/2 सेंटीमीटर और उसकी वाई ब्रेड्थ जो है वो है 10 से 2/3 सेंटीमीटर। हमें उसका परिमीटर निकालना है। तो हमारे पास गिवन जो है वो है, द शीट ऑफ पेपर इज़ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी शीट ऑफ पेपर जो हमारे पास है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो बच्चों, रेक्टेंगल हम उसको कहते हैं जिसके अपोजिट साइड बराबर हो। लेंथ ऑफ शीट इज इक्वल टू 12 से 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ शीट जो है वो है 10 से 2/3 सेंटीमीटर। अब हमने पेरीमीटर निकालने के लिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला लगता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यानी 2 × एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 × तो लेंथ हमारे पास जो है वो है 12 से 1/2 प्लस ब्रेड्थ जो है वो है 10 से 2/3 इज इक्वल टू 2 × 2 × 12 = 24 प्लस 1 हो गया 25/2 प्लस 3 × 3 3 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 तो हमारे पास वो आ गया 32/3 इज इक्वल टू 2 × 25। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 25 × 3 प्लस 32 × 2/2 यानी डिनोमिनेटर के साथ इज इक्वल टू 2 × 25 × 3 दैट इज इक्वल टू 75 प्लस 32 × 2 वो हमारे पास हो गया 64/3 × 6। तो 2 × 75 प्लस 64 वो हमारे पास आ गया बच्चों 139/6, 2 × 2 = 6। अब हमने इसको कसर काट दी 2 × 2 = 6, हमारे पास आ गया 139/3 इज इक्वल टू, इसको हम जब मिक्सड फ्रैक्शन में लेंगे तो वो हमारे पास आता है 46 × 1/3। यानी 46 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 138 प्लस ऊपर का न्यूमरेटर वो 1 है हमारे पास, तो 138 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 139/3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जो है वो हमारे पास आ गई 46 × 1/3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ एंड नाउ वी विल मोर डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इंशाल्लाह। थैंक्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।